तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर देखोगे तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हीट एनर्जी गिवन टू एडियाबेटिक गैस सॉरी डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लो टेम्परेचर पे 5 लूंगा मैं, जबकि कुछ बताया नहीं गया तो टेम्परेचर लो ही कंसिडर करूँगा। अलाउ टू एक्सपेंड डेल्टा क्यू हीट, डेल्टा क्यू आपने कितना दिया 735 जूल आपने हीट दे दिया। ईच गैस मॉलिक्यूल रोटेड अराउंड इट्स इंटरनल एक्सिस बट डू नॉट ऑसिलेट, दैट्स वाई ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वाइब्रेशन का जीरो काउंट हुआ है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तो अगर तुम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज देखोगे यहाँ से तो डेल्टा की हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, बड़े आराम से लगा सकता हूँ। यहाँ से एन सी पी की जो वैल्यू है वो आती है एफ आर बाई टू प्लस आर, और यहाँ से डेल्टा टी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से एन आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एफ एफ बाई टू प्लस वन और ये डेल्टा टी। एफ की जो वैल्यू तुम देखोगे यहाँ तो 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 7/2 एन आर यहाँ से डेल्टा टी। तो एन आर डेल्टा टी की यहाँ वैल्यू यहाँ से डेल्टा की और हीट गिवन, तो फाइनली एक एक्सप्रेशन मुझे एन आर डेल्टा टी का एक्सप्रेशन यहाँ से मिला, वो आ जाएगा डेल्टा क्यू और 2/7। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 735 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज एन आर डेल्टा टी की वैल्यू है। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ से ऐसे मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर अगेन दोबारा तुम चेक करोगे यहाँ से देखोगे कि अब मुझे क्या चाहिए था भाई, पूछो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू एफ एन यहाँ से पड़े होगे आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला रटे होगे पड़े होगे तुम, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है 5/2 और यहाँ से एन आर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन आर डेल्टा टी से एफ बाई 2 और एन आर डेल्टा टी की वैल्यू है 735 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 यहाँ से, तो ये 2 ने इस 2 को खा गया और यहाँ से तुम देखोगे तो 1 और 105 मतलब ये 525 जूल, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये यहाँ से आपको बेहतर तरीके से मिल गया होगा 500, ये तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है, बाकी ये जो ऑप्शन है वो गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।